मानती है। मैं मानती है कि मेरे पति का खून मैंने ही किया है। धनक के सामने माया ने खोला अपने ही गुनाहों का कच्चा चिट्ठा। धनक ने किया माया के साथ सौदा। जैसे तूने अक्षय के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की, वैसे ही हमारे साथ मिलकर तुझे उसको पकड़ना। सीरियल गठबंधन की कहानी क्लाइमेक्स तक आ पहुंची है, लेकिन ये एंडिंग तो तभी हैप्पी एंडिंग होगी ना जब रघु और धनक के सारे दुश्मन सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। तो देखिए आज धनक ने अपने एक दुश्मन को जेल पहुंचाने के लिए आखिरी जाल फेंका है, जिसमें माया ऑलमोस्ट फंस भी चुकी है। देखिए आज माया अपने गुनाह खुद ही कबूल कर रही है। मैं मानती है कि मेरे पति का खून मैंने ही किया है। पैसों के लिए उस गुट्ठे के साथ मैं शादी की, और जब सारे पैसे मेरे नाम हो गए तो बड़ी शातिरता से उसका खून कर दिया। लेकिन ये साबित करने के लिए मैंने पीछे एक ही सबूत छोड़ा। मैं यहाँ से सारे पैसे लेकर निकल जाऊंगी और फंसोगे तुम लोग। माया को अपनी प्लानिंग पर पूरा भरोसा है। अपनी गिरफ्तारी के कोई सबूत माया ने नहीं छोड़े हैं, ऐसा माया को लगता है। धनक, सब कुछ सोच समझ कर प्लान करके किया है मैंने। उसका खून भी वैसे ही किया है। कौन मरेगा, कौन छूटेगा, कौन कहाँ जाएगा, ये सब कुछ पहले से ही प्लान है। तो अब तू कुछ भी नहीं बदल सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तुम। लेकिन 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 ओवर कॉन्फिडेंट माया शायद ये भूल गई कि जिसके सामने वो अपने गुनाह कबूल कर रही है, असल में वो है कौन? वो धनक है, धनक, पुलिस वाली धनक। बहुत ऊंची उम्मीदें और सपने, लेकिन माया अदालत तो तुम बोली कि जो तुम बोलोगी वही हो जाएगा। अगर मैं पुलिस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर जाऊं और जाने अनजाने में तुमने एक पुलिस ऑफिसर के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। माया ने धनक को वो नजारा दिखाया जिसे देखकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी रूम में धनक अकेली नहीं बल्कि माई, रघु और पुलिस सब मौजूद थे। जुर्म को पलड़ा कितना ही भारी क्यों ना, थैंक यू ऑफिसर। सच्चाई और कानून के आगे झुकी जाए। भाई अब जब गुनाहों का भांडा फूट ही चुका है तो फिर माया को अपना गेम बदलने में देर नहीं लगी। माया रघु के सामने गिड़गिड़ाने लगी। अरे इंस्पेक्टर सर, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, साजिश है मेरे खिलाफ। रघु, रघु तू तो मेरा दोस्त है ना, तुझे तुझे अपने दोस्ती का वास्ता, बचा ले मेरे को, छोड़ो मुझे, दोस्ती का वास्ता दे दिया रघु। चलो एक काम कर, रघु की तरफ से मैं तुम्हें एक मौका दे देती हूँ। अब गुनाह तो तुमने किया है, सजा तो तुम्हें जरूर है, लेकिन मैं तुम्हारी सजा कम जरूर करवा सकती हूँ। कैसे? तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। रघु ने भी रख दी माया के सामने शर्त। जैसे तुमने अक्षय के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की, वैसे ही हमारे साथ मिलकर तुम्हें उसको पकड़ना। और हाँ, इसमें कोई चालाकी करने की या हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना। चलिए चलते हैं रघु और धनक के पास, जिन्होंने आज अपनी दुश्मन नंबर वन को उसकी सही जगह पहुंचा दिया है। तो जो हमने प्लान किया था कि माया को अपने जाल में फंसा कर, जो इतना लवी डवी हो रहे थे रघु माया के साथ, फाइनली वो सब सक्सेसफुल हुआ और हमने माया को रंगे हाथों पकड़ लिया। लवी डवी कहाँ हो रहा था, मैं तो हो तो रहा था, मैं प्लानिंग में शामिल था। माया को तो सजा मिल गई धनक, अब आगे की क्या प्लानिंग है? अब अक्षय बचा है ना, अक्षय और माया को दोनों को जेल में डाल देंगे, फिर सुकून की सांस लेंगे। सबको शौक लगा था घर पे, और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि जिस टाइम माया हमारे घर में आने वाली थी उस साइमेंटेनियसली उसी टाइम हमको ये न्यूज मिल गई थी कि अक्षय जेल से भाग गया है। तो उस वक्त माया घर आती है और तब तो बिल्कुल कोई शक नहीं था, बट जब हमें पता चला कि माया और अक्षय जुड़े हुए हैं और किस कैसे हालात में एक साथ जुड़े हुए हैं, एक बहुत शॉकिंग फैक्टर था हमारे लिए। और अब इन दोनों को हमें एक साथ टैकल करना था, और वही एक तो फिलहाल हमने कर लिया है, अक्षय की बारी है अभी, वो भी
हमारी प्लानिंग का क्या कहते हैं उसको, क्या देखिएगा, अंजाम देखिएगा। शो का जल्द ही एंड होने वाला है, लेकिन उससे पहले शो में कौन सा ट्विस्ट आएगा? ये फाइनल ट्विस्ट एंड टर्न है, इसके बाद एक हैप्पी एंडिंग होगी और हम अलविदा कहेंगे प्यार से। माया ने आज तक धनक और रघु के लिए मुसीबतों के जाल ही बिछाए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि माया अक्षय के खिलाफ कैसे देगी रघु और धनक का साथ। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।